बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज संडे है तो यहाँ पे इस वक्त हानिया उठ चुकी है और जिसे मैं उठाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उठ जाओ। आज ना हानी जो गई, हानी जो गई है, हानी आज हानी को नींद आ रही है। बीबी नींद हो रही है, बताइए लगाऊंगी। चलो उठो, नाचा करे क्या नाचा करना, आ जाओ। हानिया चली, मीना चली गई है, आ जाओ। चले चले आ जाए। मीना उठ रही है, मीना उठ रही है। हानिया शेकन करो, शेकन करो, चलो शेकन करो। माशाल्लाह बहुत एक्टिव होती जा रही है, आप भी जरूर माशाल्लाह कहिएगा। मिन्हा नाश्ता करने लगी है, जिसके लिए मैंने सिरेलक बनाया है। सिरेलक मैं चावलों का यूज़ करती हूँ, 6 महीने के लिए बच्चे यही मुनफरद रहता है और बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी होता है। इसके बाद आ जाती है गंदम की और फलों की गज़ा, जो फिर बच्चों के लिए ताकतवर भी रहती है। बहुत ही मज़े से इंजॉय करके खाती है ये, बिल्कुल भी नाश्ता करते हुए तंग नहीं करती। लेकिन जितना तंग हानिया करती है, उसको नाश्ता करवाना बहुत ही मुश्किल है और घर पे किसी से भी वो ठीक से नाश्ता नहीं करती है। उसको अगर जब तक पॉइंट्स ना लगा के दें, उसने नाश्ता नहीं करना होता। और इस वक्त मिन्हा हानिया को ही देख रही है, क्योंकि हानिया इस वक्त झूले ले रही है, तो मिन्हा का सीधा फोकस उस तरफ है कि मैं भी लूँ। मिन्हा ने नाश्ता कर लिया है और अब मैं करने लगी हूँ। यहाँ पे हमारे लिए ज़बरदस्त नाश्ता आया है, जो कि लाहौरी चने नान, जो कि लस्सी के साथ हम संडे को लाजमी खाते हैं। वैसे तो बाकी दिन हम घर पे ही कुछ ना कुछ बनाते हैं, लेकिन संडे के दिन लाजमी यहाँ तो हलवा पूरी हो जाती है या नान चने, तो इसके बगैर संडे पूरा नहीं होता ही कह लीजिए। तो यहाँ पे अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ, उसके साथ साथ मैं हानिया को भी खिलाने लगी हूँ। हानिया का आप यहाँ पे देख सकते हैं, खाएगी और इसके साथ साथ उसका ध्यान होता है पॉइंट्स की तरफ, जो जिस वजह से वो खाना पूरा नहीं करती है। और यहाँ पे मैं अभी सिर्फ उसे बातें करवा रही हूँ, और साथ साथ उस मैडम ने क्या करना होता है कि एक बाइट के साथ उसने एक घूंट पानी पीती है और फिर उसने बाकी खाना खाना होता है। अपने सेहन में जो झूला लगा हुआ है वहाँ पे बैठ गई है और बड़े मज़े से ये जो दरमियान में अपने चूजे को बिठा के झूले ले रही है। बेचारा इतना छोटा सा है और उसे कहती है बस मेरे पास उसे बिठाई रखो। थे तो वैसे 3 थे, लेकिन थोड़े मौसम की वजह से वो बीमार हो गए और मर गए, तो ये एक रह गया जिसे वो अब गोद में बिठा के रखा हुआ है उसने। बेचारा ये भी बहुत ढीला हुआ हुआ है, पता नहीं ये कब तक रहेगा। और यहाँ पर तो बस इसके बस कह लीजिए इंजॉय करती रहती है, कभी घर झूले बैठ गई, कभी ये गाड़ी में बैठ गई, और ये देख लीजिए अभी भी अपने चूजे के पास बैठी है और उसे उसके खुलने की जिद कर रही है। और देख लीजिए इसने क्या किया, उस बेचारे को इसने खवार किया हुआ है। और इधर हमारी मिन्हा वॉकर में बैठी हुई है बहुत ही मजे से, इसे वॉकर में बैठा दो तो बस इसी तरह ये खड़ी रहती है, चलने का ज्यादा नहीं लेती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रैक्टिस हो जाएगी। और यहाँ पे नाश्ते के बाद है हमारे चाय की बारी, जो मैं बड़े मज़े से इंजॉय कर रही और बच्चों को यहाँ पे मज़े से खेलने के लिए छोड़ा हुआ है। और अब मैं करने लगी हूँ रूम को नीट एंड क्लीन, और यहाँ देख लीजिए मैंने रूम को कर लिया है बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे इस वक्त मैं आपको दिखाती चलूँ, मेरे बच्चों के थोड़े बहुत चॉइस पड़े हुए हैं, जिसमें टेडी है, डॉल्स और ये ब्लॉक्स हैं, जिससे दोनों अक्सर खेलती रहती हैं। और वहाँ पे मैडम लगी हुई है अभी भी मोबाइल में, जिसमें वो अपने पॉइंट्स चेंज करती रहती है कि कौन सा देखें। और काम शाम से फारिक होके मैंने फिर ड्रेस निकाल ली है, हम जा रहे हैं बाहर। सो मैं आपको ये ड्रेस दिखाती चलूँ, जो मैंने आपको अपनी ड्रेसिंग वीडियोस में दिखाया, तो आप चाहें तो आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। और ये हानिया का ड्रेस कफ्तान है और उसके साथ ये जीन्स है और उसके नीचे उसकी इनर है। और यहाँ पे है मिन्हा का ड्रेस, कॉटन का ड्रेस है,
फुल स्लीव्स वाला और नीचे उन्होंने जीन्स जैसी ही उन्होंने ट्राउजर दिया है। वैसे जीन्स का नहीं है, जीन्स का कलर का ही है। तो यहाँ पे मैं कपड़े ड्रेस कर लूँगी अपना और फिर बच्चों को रेडी करूँगी। इस वक्त मिन्हा तो सोई हुई है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो सबसे पहले मैं हानिया को तैयार कर लेती हूँ जो वहाँ पर लगी हुई है, तो उसे तैयार करने के बाद फिर मिन्हा को करूँगी। और यहाँ पे मेरी प्यारी सी गुड़िया हो चुकी है तैयार। यहाँ पे देखिए किस तरह से पोज बना रही है, बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि मैं बाहर जा रही हूँ। ये देखिए, और माशाल्लाह से हमारी मिन्हा भी रेडी हो चुकी है। और ये देखिए सो चुकी है ना, इसलिए बिल्कुल फ्रेश हो गई है। तो अब बहुत ही अच्छे तरीके से उसका मूड हो गया हुआ है, तो वो बड़ी अच्छे तरीके से बैठी हुई है। ये देखिए जरा, और मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। ये मेरे ड्रेस की ये छोटी सी लुक देख सकते हैं, साथ मैंने अपनी चप्पल सेम पहन ली है। मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब हम निकलने लगे हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं। हाँ जी, ये हम ये रास्ते में हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ यहाँ पे भी छोटी सी वीडियो शेयर कर लूँगी। हम जा रहे हैं अपनी क्लोज रिलेटिव की तरफ, जिनकी तरफ हमारा आज का डिनर है एक साथ। तो सोचा उनके साथ डिनर के साथ थोड़ा बहुत इंजॉय भी किया जाए, बाहर भी जाएंगे उनके साथ, क्योंकि वो जिस एरिया में रहते हैं यानी कि कैंट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने के लिए पार्क्स और बच्चों के लिए लैंड्स हैं, तो सोचा वहाँ पे भी जाएंगे। हाँ जी, तो काफ़ी करीब है हम अपनी मंजिल की तरफ। ये है कैंट के एरिया, जिसकी ये ग्रीनरी देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है। और बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे एरिया पसंद है जहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंटल हो के इंसानों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है और जानवरों के लिए भी। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं, तो आपको आइए सामने दिखाऊं, एक सेकेंड। ये देखिए वो है सामने घर, तो अब हम अंदर जाते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। हाँ जी, तो ये देख लीजिए, ये है उनके करीब की एक पार्क जहाँ पे आज बहुत ही रौनक लगी हुई है, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है और संडे का दिन है, तो सब ही अपनी फैमिलीज को लेके बाहर निकले हुए हैं, तो सोचा हम भी थोड़ा सा एंजॉय करके आते हैं। तो यहाँ पे ले रही है हानिया झूले, देखिए जरा थोड़ी सी कंफ्यूज भी है क्योंकि वो बहुत ही कम बाहर निकलती है, और ऐसे पार्क्स में मैं उसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेके आई हूँ। एक झूला लेती है एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, बस आज उसने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद मिन्हा मैडम को भी देख लीजिए, मौसम आप देख रहे हैं कितना मजे का हुआ हुआ है, बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, मे बी बारिश भी हो जाए, पर अभी तक तो बस मौसम ही हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, तो देख लीजिए हानिया घोड़े में बैठी हुई है। अब यहाँ पे बस हम घर चलते हैं, एंजॉयमेंट ख़त्म हुई, घर जाके हमने खाना खाया जो बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त उन्होंने खाना बनाया था हमारे लिए, जिसमें यहाँ मटन कढ़ाई, कीमा मटर और सलाद, दही भरे, और उन्होंने बहुत ही मज़ेदार से चिकन पुलाव बनाया था। बहुत ही हमने एंजॉय किया, खाना खाया, और अब हम वापसी के लिए निकल गए हैं। शाम हो चुकी है तो हमने कहा अब टाइम से घर पहुंचा जाए। तो बाहर ट्रैफिक भी आज बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि संडे के दिन बहुत ज़्यादा फैमिलीज निकलती हैं एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिलीज को लेके। तो इधर हुआ आज के दिन का हमारा व्लॉग ख़त्म। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और मेरे साथ आपने एंजॉय भी किया होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ एक नए व्लॉग के साथ वापस आऊँगी। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद ज़रूर रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।